नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस वक्त सुजानगढ़ के नजदीक भोजलाई गांव का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर पिछले 10 दिनों से चली आ रही श्री बालाजी प्रतियोगिता 2020 का फाइनल मुकाबला शुरू होने जा रहा है, जो कि एक तरफ भीमसर है जबकि दूसरी तरफ उनके सामने डुंगरास है। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ पर छोटे से गाँव में इन लोगों ने रखा है और ये फाइनल मुकाबला है वो कुल मिलाकर जबरदस्त मुकाबला होने की। यहाँ पर विजेता टीम जो भी रहेगी उसको 9,100 रुपए की नगद राशि रखी गई है और रनर अप टीम जो भी रहेगी उसको 4,100 रुपए नगद दिए जाएंगे। एक धांसु मुकाबले की उम्मीद है क्योंकि भीमसर टीम है, उसमें भीमसर के अलावा आसपास के सेकाउट क्षेत्र में टेनिस के जितने भी सितारे हैं उनको शामिल किया गया है, जबकि दूसरी तरफ डुंगरास एक छोटा सा गाँव है लेकिन उनमें भी IPL की तर्ज पर कई खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। आइए देखते हैं कौन टॉस जीतता है और कौन यहाँ का फाइनल मुकाबला उठाता है। इस वक्त फाइनल मुकाबले का टॉस उछाला जा रहा है बनवारी जी के द्वारा, कॉल है सही राम के द्वारा की गई है। टॉस जीता इन्होंने, टॉस विजेता है डुंगरास। आपका डिसीजन क्या रहेगा? बैटिंग फर्स्ट। आपके पास किस तरह की टीम मैनेजमेंट है? बहुत बढ़िया टीम मैनेजमेंट है। क्या लगता है भोजलाई जैसे आयोजन में आप फाइनल तक पहुंचे हो, कैसा सपोर्ट रहा है यहाँ के दर्शकों का और लोकल लोगों का? बहुत बढ़िया सपोर्ट रहा है यहाँ के लोकल दर्शकों का और हमारी टीम भी बहुत बढ़िया है और 16 ओवर में लगभग 250 के लगभग। बिल्कुल, आपको लगता है 250 के लगभग बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। टॉस हारने के बाद आपकी क्या रणनीति रहेगी? जो बढ़िया रहेगी वो बॉलिंग की रहेगी। बॉलिंग की रणनीति रहेगी, कितना डुंगरास जैसी मजबूत टीम को आप रोकना चाहोगे? कम से कम स्कोर में रोकने की कोशिश करेंगे, अच्छी बॉलिंग करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, कम से कम रोकने। इस वक्त टीम का परिचय प्राप्त किया जा रहा है गाँव के गणमान्य नागरिकों के द्वारा। आपको भोजलाई गांव का दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर मेगा फाइनल शुरू होने जा रहा है थोड़ी देर में और देखना है कौन यहां का फाइनल उठाता है। 16-16 ओवर का ये मुकाबला होना है। इस वक्त डुंगरास टीम से गांव के गणमान्य नागरिक है वो अपना इंट्रोडक्शन प्राप्त कर रहे हैं, परिचय प्राप्त कर रहे हैं और देखना है सभी ने अपना अपना नाम बताए हैं और ये भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा है, कोई भी व्यक्ति हमारे बीच चल कर आता है तो हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनका आदर करते हैं। और इस समय कुछ ही देर में फाइनल मुकाबला है वो शुरू होने जा रहे हैं। आते इस गेंद को धकेला ओवर की तरफ, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, रन की कोई संभावना नहीं। आपको भोजलाई गांव का दृश्य दिखा रहे हैं सुजानगढ़ के ठीक पूर्व साइड में और अब की बार इस गेंद को हमें खेला, उस तरफ कोई खिलाड़ी नहीं है, माफ कीजिए वहां पर खिलाड़ी लिया हुआ लॉन्ग ऑन पर जाहिर तैयार होते हुए ये गेंद और अब की बार दिशा देने का प्रयास किया है। गेंद आ रही इसमें स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, जब तक मूलचंद गेंद को उठाते थ्रो करते उनसे पहले मौका था एक रन उनकी ये गेंद और अब की बार खूबसूरत तरीके से इस गेंद को दिशा दी, बहुत तेज आउटफील्ड है, गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए है, 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर और अब की बार खूबसूरत तरीके से हिट किया इस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ, एक बाउंस के बाद बाउंड्री से बाहर होती है, 4 रनों के लिए है। भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि कब क्या कुछ घटित होता है, केवल अनुमान लगाया जा सकता है, विश्लेषण किया जा सकता है। महान अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट। 10 बल्लेबाजों को आउट कर 200 का टारगेट खड़ा करने का प्रयास होगा। बाहर की तरफ कटती गेंद तक वापस, फिर से उनकी गेंद और अब की बार उसी दिशा में, लेकिन अब की बार एम्पायर का इशारा पहुंच रहा ओवर का हो सकता है क्योंकि एक अतिरिक्त बॉल बहुत अहमियत रखती है। अब क्या करते हैं अपने ओवर में, फिर से उनकी गेंद और अब की बार बहुत खूबसूरत तरीके से दिशा दी लेकिन उससे बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर कवर स्थान पर कोई गलती नहीं, जबरदस्त फील्ड प्लेसमेंट देखने को मिला है। बिल्कुल, ये ब्रह्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, भारतीय सनातन संस्कृति में 3 देव माने जाते हैं और खूबसूरत तरीके से गेंद को हिट किया, उस तरफ कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद बाउंड्री से बाहर, 6 रन, पहला छक्का, 17 रन इस समय टोटल टीम स्कोर पहुंच चुका है। किस जमाने के स्टार प्लेयर माने जाते थे और अब की बार अच्छी गेंद लेकिन अंपायर का इशारा वाइड के रूप में, इसे कहते हैं करी कराई मेहनत पर पाला पड़ना। तैयार होते हुए अपने ओवर में फिर से की बार हल्के से गेंद को डिफेंस किया, वहीं पर अच्छी फील्डिंग, रन की कोई संभावना नहीं, बस बुझाया करते थे, आज की तरह बिस्लेरी पानी नहीं मिला करता था, 71 रन बनाए थे जबकि डुंगरास ने 10 ओवर गए और बहुत शानदार शॉट लगाया, एक बार गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। कन्नी सिंह जी हमारे बीच में पधार रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। इसी बीच रचित के बल्ले से निकलता हुआ स्ट्रेट बाउंड्री के बाहर, शानदार छक्का। मैं आपके जानकारी के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर के बगल से निकले, बार लेग स्टंप के बाहर की गेंद को निकालने की कोशिश की थी, इसकी तरफ से कार्तिक को गेंदबाजी का जिम्मा, गेंद को कवर के क्षेत्र में निकाल दिया है, फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं और गेंद बाउंड्री के बाहर,
चार रन का इशारा नौरंगजी भोगालिया का, जिसका लेग एम्पायर पर बरवारी ढक सामना करेंगे। कार्तिकी गेंद का अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दिया गेंद को, बैक टू बॉलर खेला कार्तिकी। दूसरा सेमीफाइनल 12 ओवर का था, उसमें भी 170 रन बने थे। मुकेश ने गेंद को उठाया, फील्ड किया, किट गेंदबाजी करेंगे रशीद को, पांच छह कदम ने पटकी भी किया, बाउंड्री के बाहर, लंबन बाउंड्री के बाहर, छह रन, अति सुंदर स्ट्रोक। और रशीद ने आते ही अपने सीट आक्रामक मूड में एक बार फिर गेंद को मिड ऑफ क्षेत्र में खेलने, राइट आर्म राउंड द विकेट, और गेंद फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं मूल जी, और उनके गेंद हाथ से छिटक गया सर। और आते ही मारने का प्रयास किया, लेकिन गुड लेंथ पर पिच करा के तेज कर, एक बार फिर राइट आर्म ऑफ द विकेट से पॉइंट की तरफ खेला, लेकिन वहां पर कुछ हड़बड़ाहट फिल्टर के द्वारा। एक बार फिर बर्मा गेंद लगभग 140 किलोमीटर, बालाजी क्रिकेट क्लब को बहुत तेज गति से निकलती हुई गेंद डाली है, और वहां पर फ्लिक किया है गेंद हवा में, फिल्टर गेंद के पीछे देखना हुआ, दो रनों से, लेकिन वहां पर एक ही रन से संतोष करना पड़ा। कंटिन्यू रखो थे बिना किया बिना, काफी अच्छी गेंदबाजी वर्मा के द्वारा। फिर वर्मा राइट आर्म आउट द विकेट से, अच्छी गेंद थोड़ी हवा में, लेकिन फील्डर मौजूद मिड ऑफ की तरफ ड्राइव किया, एक रन के साथ स्कोर पहुंचा। एक और फिर मारने का प्रयास, एक बार फिर, और एक बार फिर हावी होते हुए, और इस बार कट किया, लेकिन फील्डर मौजूद सेकंड स्लिप, और जगन आए समय गेंद के लिए, बहुत बेहतरीन गेंद थी। भंवरलाल जी पहुंच चुके हैं हमारे बीच, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और इस समय गेंद को दिशा दी है। ये जो चारों तरफ पेड़ नजर आ रहे हैं, इसी का परिणाम है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हम त्रस्त हैं, और इस समय पॉइंट की तरफ गेंद को दिशा दी है। खिलाड़ी ले रखा है वहां पर, केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस सिंगल रन के सारे टोटल टीम स्कोर पहुंच चुका है, मोहित बताए 72 रन बन चुके हैं। पारी का 7वां ओवर चल रहा है, बिना किसी विकेट के नुकसान पर फिर से तैयार होते हुए जगन अपने दूर वाले छोर से। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है जगन की तरफ से, हल्के से इस गेंद को फिर से पॉइंट की तरफ धकेला है। डिफेंस किया था वहां पर, खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट डोंगरास के लिए ये कि उनका कोई भी विकेट नहीं गिरा है। डोंगरास और भीमसर के मध्य मुकाबला चल रहा है, डोंगरास के टीम कैप्टन ने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का मुकाबला किया है। 16-16 ओवर का ये मैच होना है, और यहाँ का फाइनल कौन उठाता है, कौन चैंपियन बनता है बालाजी क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 का। और अब की बार इस गेंद को फिर से निकाला है लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहां खिलाड़ी मौजूद है सफाई के साथ, क्यों कहते थे कि हमें गांव में क्या मिलता है। और अब की बार हवा में खेल बैठे हैं, खिलाड़ी ये देखना पहुंच पाते हैं नहीं, लेकिन उनके पहुंच से बहुत दूर है गेंद। एक रन पूरा किया है अपने ओवर में, एम्पायर को क्रॉस किया उनकी गेंद, बहुत बेहतरीन तरीके से फील की जा रही है, और इसी के साथ ये पहला विकेट गिरा है। जाहिर मैदान छोड़ रहे हैं, विकेट कीपर के हाथों उछाल लेती हुई गेंद का, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, 14 नंबर टी शर्ट में उनकी गेंद, गेंद को वहीं पर दबाया और हल्का सा मिसफील्ड हुआ है। लगता है मूलचंद के साथ आज भाग्य साथ नहीं दे रहे हैं, जैसा हमारे साथी विकास कह रहे थे कि जिन्स कभी क्रिकेट में काम नहीं करते हैं बाजार से। तैयार होते हुए और अब की बार इस गेंद को खेला जरूर है, उस तरफ कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद एक बाउंस के बाद बाउंड्री से बाहर होती हुई चार रनों के लिए। टोटल टीम स्कोर इस वक्त पहुंच चुका है, अपने टीम के लिए बहुत बेहतरीन योगदान दिया है, फिर से इस गेंद को धकेल दिया है, और उस तरफ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद बाउंड्री से बाहर होती हुई छह रनों के लिए। बैक टू बैक से बल्ले को पार करते हुए 7-8 कदम मगर अच्छी गेंद, इस बार पैरों में गिरी गेंद, बल्लेबाज जहीर जगन की गेंद निकाला, इस बार गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ, एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 94, और गेंद को निकाल दिया, इस बार गेंद जा रही है कवर और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन के लिए, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, शानदार बल्लेबाजी। राइट आर्म ऑफ द विकेट एम्पायर की बगल से निकलते हुए अच्छी गेंद, इस बार पूरा सम्मान दिया गेंद को, 78 होगा जगन, और गेंद को कवर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ निकाल दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ,
चार रन के लिए बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। बाकी कोई खेल नहीं, जगन और गेंद एक बार फिर जा रही है। सोनू सिंह आउट, बहुत ही शानदार केज लपका। लेफ्टार्म अच्छी गेंद, इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खेला। एक रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज बीव सर की तरफ से, और गेंद वहीं पे खड़ी हो गई। फील्डर गेंद के नीचे जा रहे हैं और सोनू सिंह ने कॉर्नर को आउट किया। काफी लंबी दौड़ लगाई उन्होंने और पॉइंट पर आके गेंद पकड़ा है। गेंदबाजी करते हैं 5 सेकंड मुकराना, और जिनको पहली गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में खेला, इस बार कोई रन नहीं। राइट आर्म और दो विकेट, और इस बार गेंद को निकाला जाते थे थर्ड मैन की तरफ। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, वाइड का इशारा। बनवारी अच्छी गेंद ऑप्शन के बाहर, चकाती भी सीधी। सोनू सिंह पैर पटक रही गेंद, काफी तेज गति से गेंद बाहर, मोर द विकेट। फुल टॉस गेंद और गेंद को निकाल दिया स्क्वायर लेग एम्पायर की तरफ। फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और बहुत शानदार फील्डिंग की और निभा रहे हैं। सामना करेंगे सही राम, अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद निकाल। 10 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 109 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आगे का अंकों देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर विकास तिवारी के द्वारा। तेज तर्रार गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट से, और काफी तेज गति से निकलती हुई गेंद। अक्रम गेंद को जज नहीं कर सकेगा, दूसरा ओवर डालेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट से, और इस बार घुमा के मारा है वहां पर। अच्छी फील्डिंग मनीष के द्वारा, 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट से, अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की बॉल थी लेकिन वहां पर कोई अपील की है पर माने। राइट आर्म ओवर द विकेट से, गेंद गेंद हवा में और आउट, अच्छी गेंद। इस टीम में बार फिर वर्मा और सम्मान दिया, अच्छी गेंद, काफी तेज गति से विकेट है। गेंदबाज अगर अपना दमकम लगाए तो देखिए देखिए इस तरह से गेंद निकली जिसे सताबर। एक बार फिर सोनू सिंह, अच्छी गेंद और सही गेंदबाज, स्लो गेंद और शानदार छक्का, जबरदस्त रेट बढ़ाई। एक बार फिर सोनू सिंह, सही राम गोल, हवा में गेंद, तो एम्पायर का इशारा। ये बहुत ही गलत तरीके से खेला है इस गेंद को, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक बार फिर सोनू सिंह, उन्होंने दबाव बनाया, कमबैक करवाया उन्होंने, यहां पर आंदन फांदन ने बल्ला घुमाया लेकिन कोई नतीजा नहीं। होल्ड कर दिया है, क्लीन बॉल, 6th विकेट। मैंने अभी राजकुमार जी से ही चर्चा की, अब कमेंट्री का मैं भार दूंगा राजकुमार आचार्य। तो किसी भी बल्लेबाज ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है, बहुत जल्दी में बहुत सस्ते में वो निपटते बने हैं। अच्छी गेंदबाजी भी आपको कमबैक करवा सकती है। बहुत बेहतरीन गेंद घूमती और इसी के साथ एक और विकेट चलता बना। यहां से तो 150 में भी मुसीबत नजर आ रही है, जबकि टीम कैप्टन ने टॉस के वक्त कहा था 200+ करना चाहेंगे। देखते हैं ब्रह्मा के सामने कैसा सामना करते हैं। 7 विकेट आउट हो चुके हैं, उनकी गेंद घुमाने का प्रयास, रन की कोई संभावना नहीं। सारे आईपीएल के तर्ज पर दूर दूर से मंगाए गए हैं, शेखावटी के सितारे हैं लगभग 20। सूरज की तरह चमकते बल्लेबाजी भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाज हैं, और अब की बार जिसकी तारीफ की जाती है उनसे गलतियां निश्चित रूप से होती है। गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रनों के लिए। बिल्कुल स्क्वायर लेग पर यदि खिलाड़ी होता तो बिल्कुल आसानी से बचा है। और जगन की ये गेंद, और इस गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ निकाला, वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं है। काफी देर के बाद गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन। और अब की बार फिर से हिट किया, कोई मौका नहीं, 6 रन। बेहतरीन फ्रेट जनक स्थिति की तरफ पहुंचाने का प्रयास, बहुत बेहतरीन। मैच में पूरी तरह से जो शुरुआत की थी उनके ठीक विपरीत इस समय चल रहा है, क्योंकि शुरुआती मुझे स्वागत कीजिए, आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से इस गेंद को निकाला है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑन पर, मिस फील्ड हुआ है। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं आखिरी 2 ओवरों में, और गेंद जा रही है बाउंड्री के, कार्तिक राइट आर्म और दो विकेट गेंदबाजी करते हुए पास, और गेंद जा रही है राइट आर्म और दो विकेट एम्पायर की बगल से निकले, ड्राइव करने की कोशिश मार्क पर, और इस बार गेंद को निकाल दिया है मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर, जो 6 रन के लिए। बालाजी क्रिकेट कप का फाइनल, अगली गेंद और गेंद को निकाल दिया फिर 6 रन के लिए। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, 54 रनों की पारी खेली थी, 2 विकेट लिए थे,
और आउट, बहुत ही 170 रन और बेहतरीन तरीके से गेंद को हिट किया, गेंद हवा के अंदर, बाउंड्री से शायद बाहर, 6 रनों के सम्मानजनक स्थिति में पहुंच चुका है निश्चित रूप से। नीरज का बल्ला बोल नहीं रहा, आग उगल रहा है और अब की बार वहां पर हल्का सा मिसफील्ड हुआ है, रन नहीं लिया है, गेंद हवा में जरूर थे। बिल्कुल नीरज, यदि अर्धशतक लगाते हैं नीरज जी या दो चौके जी, और अब की बार हवा में खेलने का प्रयास, फील्डर नीचे लेकिन गेंद फील्डर की बॉल से दूर, ये गेंद बाउंड्री से बाहर होगी, 4 रन गिन लेना। आप हमारे स्कोरर बड़े मशगूल हैं इन चीजों के लिए, घुमाने का प्रयास। पहली पारी समाप्त हुई है, 171 रन माने 172 रनों की चुनौती है। विकास कैसा देखते हो, एक जबरदस्त शुरुआत, 10 ओवरों में लगभग 70 रन बनना और उसके बाद आने वाले 6 ओवरों में आधा स्कोर आ जाना, किस नजर से आप इस स्कोर को देखते हो? देखिए जिस तरह से शुरुआत में बल्लेबाजी हुई थी तो काफी तेज गति से बल्लेबाजी थी, बीच में जब वर्मा ने गेंदबाजी की तो काफी अंकुश लगाया और लगातार 3-4 विकेट गिरे। उसके बाद में जिस तरह से नीरज ने बल्लेबाजी की है तो एक तरह से जान डाल दी, काफी अच्छा स्कोर, सम्मानजनक स्कोर, और इनके पास गेंदबाजी भी काफी अच्छी है तो कॉन्टेस्ट बहुत अच्छा होगा, मैच बड़ा अच्छा होगा और दर्शकों को बड़ा आनंद आएगा। बिल्कुल विकास ने कहा मैच बहुत अच्छा होगा, एक छोटा सा कमेंटमेंट सुनील जी आपसे, क्या लगता है 171 रन बना 172 रनों की चुनौती है, क्या सोचते हो किस तरह से बल्लेबाजी वाली टीम को बल्लेबाजी के लिए आना चाहिए और किस तरह से गेंदबाजी वाली टीम की रणनीति रहेगी, आप क्या लगता है आपको किस तरह से ये रणनीति है, किस हिसाब से ये मैच खेलना चाहिए जिनसे फाइनल मुकाबला किसी टीम के लिए बहुत अहमियत रखता है, राशि कोई मायने नहीं रखती, 9,100 रुपए कुछ भी नहीं होते लेकिन किसी भी टूर्नामेंट का फाइनल जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्या लगता है आपको? यूसर की टीम बहुत ही मजबूत है और उन्होंने सेमीफाइनल मैच में ये करके भी दिखाया है, उन्होंने 171 रन बनाए थे 14 ओवरों के मैच में और मेरे को लगता है कि यूसर की टीम इस काबिल है कि ये टारगेट आसानी से चेस कर सकती है, परंतु क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, जब तक अंतिम गेंद नहीं डाली जाए कुछ भी कहना मुश्किल है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही और पहली पारी समाप्त हुई है, दूसरी पारी में क्या कुछ होता है ये आपको फिर से दिखाएंगे लाइव बॉल टू बॉल कर रही है। 171 रन बनाए 172 रनों की चुनौती है और भीमसर को ये मुकाबला जीतने के लिए 172 रन चाहिए, देखना वो किस तरह से अचीवमेंट करती है। सबसे जबरदस्त जो पहली पारी में सबसे जबरदस्त जिस व्यक्ति का नाम आता है वो राशिद का आता है, 82 रन बनाए उन्होंने 30 बॉलों का सामना किया, 5 छक्के लगाए और 11 चौके, जबरदस्त आतिशबाजी उन्होंने की थी और देखना इस स्कोर को वो किस तरह से अचीवमेंट करते हैं। सिर्फ आम लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, भोजलाई की पवन धरा से आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं, जबरदस्त मुकाबला होगा, फील्ड प्लेसमेंट इस समय लगाई जा रही है और ये आयोजन समिति के चीफ ऑफ है, बहुत बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला है, अच्छा आयोजन करवाया था इन लोगों ने और इस कोरोना काल में जब लोग पूरी तरह से उब चुके थे अपने जीवन से, कोई मौका नहीं मिल रहा था, पिछले 10 दिनों से भोजलाई में बहुत अच्छा रोमांच क्रिकेट का देखने को मिला है, लोगों के सर चढ़कर बोला है और बहुत जबरदस्त की पहली गेंद लेकर और काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलती है और अंपायर का सारा हमारे पास पहुंच, ये मुकाबला जीतने के लिए ये गेंद और अब की बार इस गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ निकाल दिया, कोई फील्डर नहीं होता, गेंद बाउंड्री से बाहर होती हुई 4 रनों के लिए, क्या करते हैं ये गेंद हल्के से इस गेंद को धकेला, वहीं भी सैकॉर्डिक क्षेत्र के गांव आते हैं उन सभी से शामिल किया गया तभी ये टीम बनी इतनी मजबूत, आता है लेदर बॉल होती है, सीजर वाली बॉल होती है, उस पर संभावना बनती है, खेल दिया इस गेंद को खूबसूरत तरीके से, गेंद एक बार उसके बाद बाउंड्री से बाहर, 4 रन भी बहुत जबरदस्त हिट किया करते थे इस तरह का और उसके बाद इस खिलाड़ी में लगता है 54 रन बनाए थे उन्होंने और बहुत ही शानदार रिवर्स खेलते हैं मुकेश और वो अमीर की गेंद और हल्के से इस गेंद को कट किया है, स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी मौजूद है रन की को इसने सूरज ने और अब की बार बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत तेज गति से गेंद जा रही है बॉर्डर लाइन की तरफ और अच्छी फील्डिंग बहुत जबरदस्त तरीके से रोका है अपनी टीम के लिए, नीरज ने 3 रन बचा, कट गया अदरवाइज बड़ी दिक्कत होती थी, तैयार होते हुए और अब की बार बहुत खूबसूरत तरीके से पॉइंट की तरफ गेंद को कट किया, गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन होते हुए एक चीज बदल चुकी है और बहुत आमिर अपने ओवर में फंसे, उनकी गेंद और अब की बार हवा में खेला, उस तरफ कोई खिलाड़ी नहीं है, बहुत तेज आउटफील्ड है, भोजलाई का गेंद उल्टा उसके करारा प्रहार, 6 रन, सूरज 4 चौके लगा चुके अभी तक, सहीराम एक बार फिर तैयार और फिर ड्राइव करने की कोशिश लेकिन अच्छी, एक बार फिर और आंगन फांदन में बल्ला घुमाया, एक बार फिर सहीराम कट किया, स्क्वायर कट, बहुत शानदार शॉट, 10 रन स्ट्रोक, बिल्कुल लेदर बॉल का भी कोटे छोड़ दिया, स्क्वायर कट में शानदार, हल्के हल्के कदमों से गेंदबाज आमिर गेंदबाज कर रहे हैं, वहां पर स्टीयर किया लेग साइड की तरफ,
अब स्ट्राइक पर है सबसे अच्छे गेंद मोहम्मद शमी, एक बार फिर आमिर, ईशान शर्मा, और कट किया के छुटा था और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, एक रिकॉर्ड बना दिया था और अब सूरज को छोड़ा है, देखना पिछड़ा देती है, एक बार फिर सामना करेंगे और उठा के मारा है, वहां पर अक्रम मौजूद है, आउट आमिर, और वहां पर फील्डर मौजूद, और वहां पर थोड़ी छोटी गेंद थी लेकिन पूरा फायदा नहीं उठा पाए, मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद, एक रन मिले 172 का, इस बार रिवर्स खेलने के विकेट के नुकसान पर, एक बार लंबा हिट लगा लेंगे, एक बार नरेन बुगाले के बगल से निकलते हुए और जो निकाल दिया है ठीक है वेटी बॉक्स के ऊपर से, छह बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, एक बार फिर गेंद जा रही है कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद, छह रन का सरायन पर का, इसी बीच सही राम देख लीजिए फिर गेंद को खड़ा कर दिया है, फिल्टर गेंद के नीचे आ रहे हैं, देखना पकड़ पाते हैं तो नहीं, और एक शानदार गेंद पकड़ा और सोनू सिंह के बल्लेबाज किंतु रिवर्स शॉट गिलक्रिस्ट की तरह खेलते हैं, इस बार कुछ समझ नहीं पाए थे गेंद उनके पैर से टकराई, सही राम काफी शॉट गेंद, इस बार नीरज राइट आर्म मोड़ विकेट, अच्छी गेंद इस बार डुंगराज की तरफ से, नीरज बहुत तेज गति से गेंदबाजी करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खेला, सही राम ने गेंद को उठाया, फिर तो एम्पायर के लिए भी थोड़ी मुसीबत हो जाती है, इसी बीच गेंद को स्ट्रेट ड्राइव किया है चार रन के लिए, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक विकेट के बल्ले से, एक घोषणा पहुंची हमारे बीच सुनील जी, और हल्के से गेंद मिस्टेक हुई और गेंद बाउंड्री से बाहर हो जाएगी चार रनों के लिए, शानदार लगाए थे और इस बार गेंद को सही राम की तरफ खेला, लेफ्ट आर्म और गेंद निकाल दिया, इस बार भी विकेट क्षेत्र में कोई फील्डर पीछे नहीं है, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है और बहुत ही शानदार दो रन बचाए फील्डर ने, काफी देखना है किस तरह से गिल्ली उड़ाते वर्मा की गेंद, हल्के से गेंद को डिफेंस किया वहीं पर रन की कोई संभावना है, गिल्ली शोर में फिर से और अब की बार खूबसूरत तरीके से इस गेंद को दिशा दी है, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है एक रन से और ये मिसफील्ड हुआ हल्का सा, अब की बार फिर से इस गेंद को हल्के से निकालने का प्रयास, पूर्व पार्षद सुजानगढ़ व्हाइट का इशारा पहुंचा है सिंगल रन के सारे, एक रन का और इजाफा हो जाएगा, बताइए मोहित टोटल टीम स्कोर कितना पहुंच चुका है, पारी का सातवां ओवर चल रहा है, 58 रन है, पूरी पृथ्वी पर बरसेंगे सुनील जी तभी उद्धार होगा लोगों का, बहुत त्रस्त है इस समय पूरी दुनिया और खास तौर से भारत तैयार होते हुए, और अब की बार घुमाने का प्रयास व्हाइट का इशारा, स्थिति बहुत खराब है, तैयार है नीरज ये गेंद मुकेश के लिए, अच्छी गेंद थी रन की कोई संभावना नहीं, वहां पर व्हाइट का इशारा करते हैं, जो ब्रह्मा नाम की मशीन खड़ी है सामने इस पर डिपेंड है और बहुत होता है, क्या लगता है कि ब्रह्मा कोई खास बल्लेबाज है नहीं, बन चुके हैं और स्ट्राइक पर वर्मा गेंदबाजी करके राजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद विकास, आइए जवाब बना हुआ है क्योंकि फाइनल मैच चल रहा है, कोई लीग मैच नहीं खेला जा रहा है और शानदार बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, डबल दबाव बना हुआ है राजेंद्र के ऊपर जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है लीग मैचों में, देख रहे हैं ब्रह्मा के गुरु
दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है ब्रह्मास्त्र, जो भी कोई भी काम में लेता है। ब्रह्मास्त्र 9 वर्ष समाप्त हुए, 12वें रन बना चुके, 172 रन नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजी की है उन्होंने तो लगभग समर्पण सा कर दिया है। और हर ओवर में अगर इस तरह से टारगेट बहुत छोटी है, बिल्कुल ये 48 रनों की साझेदारी धरती में। खूबसूरत नजारा यहाँ पर, एक तरफ टीला है जबकि दूसरी तरफ खुला मैदान है, कहीं तालाब है तो कहीं यहाँ पर नजर आ रहे हैं चारों तरफ कुआ। तादाद में यहाँ पर दर्शक लुप्त ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं ब्रह्मा के लिए। प्यास अपील की जा रही है जबरदस्त तरीके से, एम्पायर ने एक सिरे से अपील को खारिज कर दिया है क्योंकि गेंद बल्ले को छोड़ते हुए फेंक चुका है, गलत देता है। सही कहा आपने, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि झूठी अपील में पाकिस्तान की टीम से कम नहीं थी। मोइन खान एक ऐसे की बिल्कुल आपने सही कहा, ब्रह्मा के लिए अच्छी गेंदबाजी, कमबैक नहीं कर पाए हैं, दौड़ कर आते हैं और उनके पैर से टकराई इस बार गेंद, और यहां मोर द विकेट और गेंद किनारा लगती हुई गेंद जा रही है, थर्मल बाउंड्री की तरफ चाहे उनके लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट से चलेंगे मुकेश के लिए, और ड्राइव किया है, मिड ऑफ गियर, फिल्टर मौजूद, सूरज एक रन के साथ संतोष करना पड़ेगा। अब सामना करेगा राजेंद्र का, और करारा प्रहार करने का प्रयास किया लेकिन बॉटम एज लगा, एक रन मिलेगा। वर्मा अभी अपनी करेंगे राजेंद्र का, और घुमाकर मारने का प्रयास, और लेग साइड की तरफ घुमाए, फिल्टर अक्रम मौजूद है, एक रन मिलेगा। एक बार फिर स्ट्राइक करेंगे वर्मा, और इस बार कट किया है, फिल्डर मौजूद पीछे अक्रम, 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, और काफी रोमांचक स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर राजेंद्र, और वर्मा ने आनंद फानंद में बल्ला घुमाया, लेकिन कोई ये 5 ओवरों का जो खेल है वो काफी निर्णायक है, अगर 1-2 ओवर स्थान छोड़ दिए हैं। और हवा में गेंद, जो मैं आपको कह रहा था वही वार आउट, एक बार फिर भीमसेन के टीम दबाव में, दिल्ली ने वर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार फिर वर्मा ने उठाया है हवा में गेंद, देखते हैं गिल्ली गेंद के नीचे है और ये आउट। ये मैच भी यहां पर खतरे में आ गया भीमसेन को, क्योंकि मैं पहले कह रहा था राजकुमार जी गिल्ली की जो गेंद है वो काफी रहस्यमयी है। बिल्कुल आपने कहा गिल्ली की गेंद भी रहस्यमयी है, जहां पर बरसात की वजह से थोड़ी देर के लिए मैच रुका हुआ है, उस दौरान हमारे बीच जितने भी मेहमान पहुंचे हैं बीएल भाटी है, उनके अलावा कई गणमान्य नागरिक है, उनका हम अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। मैं हमारे बीच बीएल भाटी साहब जुड़े हुए हैं, माननीय सदस्य श्रीमान प्रमोद दात्री खाद्य सुरक्षा निगम, उनका मैं स्वागत करने के लिए सबसे पहले निवेदन करूंगा श्रीमान सवाई सिंह जी से, आप लोग जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए, जो जो छोटे छोटे बच्चे उनसे निवेदन है दूर करें इनको। बीएल भाटी साहब का इस वक्त अभिनंदन किया जा रहा है, आपके हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान सवाई सिंह जी, उनका साफा पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, आपके समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। महालक्ष्मी से बालाजी महाराज से कामना करते हैं कि आप अपने जीवन में है, स्वागत किया जा रहा है। श्रीमान धर्मवीर जी माला पहनाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं, आप लोग जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। भोजराज गाँव का पवन धरा प्राप्त सभी का अभिनंदन, इस समय सरपंच साहब का अभिनंदन किया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सरपंच साहब का माला पहनाकर राजकुमार जी द्वारा के द्वारा जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अनेक तरफ से बारिश लोगों का, करवन जी बोहरा, राहुल जी सामरिया, राहुल जी सामरिया का समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। इसी का समय अभिनंदन कराया किया जा रहा है सुनील जी तिवारी के द्वारा, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अगले क्रम में मेरा निवेदन आएगा श्रीमान विशाल जी सोनी से कि आप आए और उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। श्रीमान विशाल जी सोनी का इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, माला पहनाकर जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। मूल जी कताला का इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है हीरालाल जी पुजारी के द्वारा, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अभिनंदन किया जा रहा है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। सुनील जी तिवारी के द्वारा अगर भी जितने भी जो है उनका माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है। जन समिति के जो मुख्य है जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को शुरुआत किया था उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है।
राम निवासी जानी का इस समय बीएल भाटी साहब के द्वारा माला अर्पण करके अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और इस वक्त थोड़ी बातचीत भी की जा रही है उनसे, और बीएल भाटी साहब उनका स्टेटमेंट ले रहे हैं पूरा कार्य के बारे में, उनसे पूछताछ की जा रही है। धर्मवीर सिंह राठौड़ साहब का इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और इस वक्त जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। आयोजन समिति जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम इनके द्वारा संभाला गया था, मनोज जी गुलेरिया का इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। समाज सेवी भामाशाह रोशन खान साहब का इस समय स्वागत किया जा रहा है गंगाधर जी लाखन के द्वारा, और इन्होंने आयोजन समिति को बहुत अच्छा सहयोग किया, और जहाँ पर भी इनको याद किया जाता है अपना समय निकाल कर ये जरूर पहुँचते हैं। हम उनके बालाजी महाराज से कामना करते हैं उनके उज्ज्वल भविष्य के। चंपालाल जी तिवारी का इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, दुर्गा राम जी के द्वारा उप सरपंच है ग्राम पंचायत गुलेरिया, उनके द्वारा जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। नौरंग जी बुगालिया आज के ऑफिशियल अंपायर है फाइनल के, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। जी ढाका ऑफिशियल अंपायर है फाइनल के, उनका स्वागत किया जा रहा है इस समय ग्रामीणों के द्वारा, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत। मोहित का इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जो यहाँ के ऑफिशियल स्कोरर थे बहुत अच्छी उन्होंने सेवाएं यहाँ पर प्रदान की है। मेघवाल का इस समय स्वागत किया जा रहा है एलडीसी ग्राम पंचायत गुलेरिया में, और ये चारों तरफ जितने भी पेड़ नजर आ रहे हैं वो उन्हीं की देन है, इस पूरे मैदान में जितने भी लगाए हैं बीएल भाटी के द्वारा उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जो श्री बालाजी क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 है उसमें प्रदान की जाएगी, और हमारे जो मुख्य अतिथि है बीएल भाटी सर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इन ट्रॉफी का वो अनावरण कर रहे हैं, थोड़ी देर में ये ट्रॉफी खिलाड़ियों को प्रदान कर दी जाएगी। इस वक्त जो पर्यावरण प्रेमी है बीएल भाटी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में है, वो इस समय पेड़ लगाकर यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। कहते हैं कि आपको जब भी जीवन में कार्य अच्छे कार्य का मौका मिले तो जरूर करना चाहिए, और जीवन में सबसे अच्छा कार्य है कि कुछ करके जाए या नहीं करके जाए लेकिन एक पेड़ आप जरूर लगा कर जाए। ये जितने भी यहाँ पर जो हमारे मेहमान पहुँचे हैं उन सरपंच हैं ग्राम पंचायत गुलेरिया के वो हैं, उनके अलावा जो एलडीसी है ग्राम पंचायत गुलेरिया के, उन्होंने बहुत मेहनत की है, और वो उन्हीं का मेहनत का नतीजा है कि यहाँ पर एक ये पूरा मैदान है उसको हरा भरा कर दिया गया है, और ये मैच के दौरान ही पेड़ लगाया जा रहा है। जब भी समय मिलेगा तो आपको निश्चित रूप से मिलना भी चाहिए, और इस वक्त हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। भोजलाई गांव का आपका दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर बीएल भाटी हमारे बीच पहुंचे हुए हैं, हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और मैच के दौरान ये पेड़ लगाया जा रहा है। भाटी सर एक प्रकृति प्रेमी होना, उनके अलावा एक छोटे से गांव में इस तरह की एक अलग भावना होने, कैसा लग रहा है आपको? आज का जो प्रोग्राम हम लोगों ने आयोजित किया है निसंदेह रूप से बहुत ही आनंददायक है। ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं की ओर से बिना किसी सुविधा के एक खेल को प्रोत्साहित करना अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रयास है, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना, और उसके साथ साथ आप लोगों ने युवाओं ने, और अभी मुझे बताया भंवरलाल जी आपके ग्राम सेवक हैं ग्राम सचिव हैं, उनकी तरफ से यहाँ के शमशान घाट में और यहाँ का जो ये अंगोर है आपका तालाब का 300 पौधे लगा के और पर्यावरण के लिए जो गांव में काम किया जा रहा है बहुत ही अद्भुत काम है। मैं मेरी ओर से और मेरे साथ आए हैं रतन जी गंगाधर जी सरपंच साहब उप सरपंच साहब सबकी ओर से ऐसे जो होनहार हमारे युवा हैं होनहार काम करने वाले कार्यकर्ता हैं हंसराज हैं सबको मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि युवा अपना हौसला बरकरार रखें, युवाओं के हाथ में भारत का पूरा भविष्य है, युवा इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो निस्संदेह रूप से गांव में एक अच्छा संदेश जाएगा, एकता पैदा होगी भाईचारा पैदा होगा और देश प्रगति करेगा गांव का नाम रोशन होगा। मैं सबको तहे दिल से पूरी टीम को जो क्रिकेट की आपने 16 या 17 टीमें आई है कितनी आई है टोटल 32 टीमें आप आई है ग्रामीण क्षेत्र से 32 टीमों के खिलाड़ियों को आपने जिस तरीके से आज संवारा है इन युवाओं को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पर्यावरण के साथ साथ खेल भावना के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, गाँव में इस तरह की जागृति होना देश में प्रदेश में बहुत अच्छा संदेश देगा, बहुत बहुत धन्यवाद सबको शुभकामनाएं, जय हिंद जय भारत। तब हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी कह दिया है कि छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा जुड़े हैं उन्होंने जिस तरह से कार्य किया है, उन्होंने कहा कि नए सुविधाओं के होने के बावजूद जिस तरह का काम किया गया है वो काबिले तारीफ है, धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और आप जब भी जीवन में मौका मिले तो कुछ लोगों के बीच में आपको जरूर जाना चाहिए, यहाँ के जो सरपंच हैं यहाँ के जो एलडीसी है और ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं ग्राम में जो भोजलाई है उनमें बहुत अच्छा कार्य किया गया है, धन्यवाद।
इस समय आपको भोजलाई गांव का फाइनल मुकाबले का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर बरसात की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। आयोजन समिति ने और दोनों टीम कैप्टन ने ये डिसाइड किया है कि जो राशि है यानी उन दोनों का आधा आधा किया जाएगा, और जो सामने वाले टीम कैप्टन है भीमसर के, उन्होंने डिसाइड ये किया है कि विजेता टीम की ट्रॉफी है वो डुंगराज टीम कैप्टन को प्रदान कर दी जाए और रनर अप ट्रॉफी वो खुद ले लेंगे। हालांकि मुकेश ने बहुत अच्छा फैसला किया भीमसर टीम कैप्टन ने। हालांकि मुकाबला 16-16 ओवर का था, 172 रनों के लक्ष्य था, लेकिन दूसरी पारी में 12 ओवर के बाद बहुत तेज यहाँ पर बरसात हुई और उसके बाद काफी देर तक ये मैच है वो रुका हुआ रहा। हमारे जो अतिथि है उनसे निवेदन है कि सबसे पहले वो रनर अप टीम जो कैप्टन है भीम सर उनको ट्रॉफी और आधी राशि प्रदान करें। सर ये ट्रॉफी टीम को ट्रॉफी प्रदान की जा रही है मुकेश को, 7,500 रुपए की नगद राशि है। बीएल भाटी सर और सारे मेंबर्स जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। मैं आयोजन समिति की तरफ से आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली थी क्योंकि दूसरे सिरे से मैच करवाने का आप जानते हो सार्वजनिक रूप से हम राशि बता नहीं सकते कैसा लगता है यहां पर, और कहते हैं कि जिंदगी में जब ऐसी स्थिति बने तो व्यक्ति को समझौता करना चाहिए और आपने बहुत अच्छा कार्य किया बोधलाई के लिए। कंडीशन के अनुसार अच्छी टीम खेल रही थी, बरसात हो रही थी सबको पता है, पर कोई ना ये अच्छे खेले इनको हक बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ, इनको यहाँ खेल के बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमने जो आंकड़े ऊपर निकाले हैं उसके अनुसार एक ही व्यक्ति का नाम आता है जिन्होंने बल्लेबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और वो नाम आता है राशिद का जिन्होंने 82 रन बनाए। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और 82 रनों में उनके बीएल भाटी सर 5 छक्के थे और 11 चौके थे। राशिद खान आ जाए फाइनल का मैन ऑफ द मैच लेने के लिए, राशिद तुरंत आ जाए फाइनल का मैन ऑफ द मैच है जो कि राशिद को प्रदान किया जाएगा। राशिद खान को फाइनल का मैन ऑफ द मैच प्रदान किया जा रहा है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। इस समय 500 रुपए रोशन खान जी की तरफ से 500 रुपए का नगद पुरस्कार है और राशिद खान को फाइनल का मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है। राशिद बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। और बोधलाई के अंदर बारिश की वजह से मैच थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, निश्चित रूप से मन में शंका होती है, लेकिन आयोजन समिति के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा डिसीजन है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर राशिद। 32 टीमों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया है, 32 को 11 से गुणा करते हैं, उसके बाद एक खिलाड़ी का नाम आता है और वो होता है टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर, मैन ऑफ द सीरीज होता है बीएल भाटी सर, जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करता है वो, और उस नाम को मैं घोषित करना चाहूंगा, वो नाम है अनिल बीएल सर टीम से, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अनिल मैन ऑफ द सीरीज टूर्नामेंट ऑफ द सीरीज, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। इस वक्त बालाजी कप 2020 मैन ऑफ द सीरीज अनिल भीमसर टीम से है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। साथ में 500 रुपए की नगद राशि है रोशन खान की तरफ से, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। बहुत ही अच्छा आयोजन था और ग्राउंड बहुत 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 ज्यादा अच्छा, क्या कहना चाहोगे यहाँ पर आयोजन पूरे टूर्नामेंट तक के लिए? सही राम को आधी राशि प्रदान की जा रही है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। इस वक्त संयुक्त रूप से विजेता प्रदान किया गया डुंगराज टीम और जो भीमसर टीम और ट्रॉफी है वो डुंगराज टीम कैप्टन सही राम को प्रदान की जा रही है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। बारिश की वजह से डिस्टर्बेंस होना, ये जो ट्रॉफी है वो निश्चित रूप से बहुत मायने रखती है, क्या लगता है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, फाइनल में मैच बहुत ही अच्छी थी दोनों टीमें भी, लेकिन बारिश के कारण मैच बीच में रुक जाना बहुत ही निराशाजनक है, लेकिन दोनों टीमों ने बहुत ही बढ़िया खेल खेला, इसके लिए दोनों टीमें दावेदार फेस थी, लेकिन बारिश के कारण ये हो नहीं सका, लेकिन संयुक्त रूप से तक बसी जो बहुत ही बढ़िया निर्णय, बिल्कुल आपका भी निर्णय बहुत अच्छा, क्योंकि लगातार कह रहे थे कि स्थिति में आदमी को थोड़ा बहुत समझौता करना चाहिए, जिंदगी में हर जगह लोग समझौता ही करते हैं और बाकी करते भी क्या है, लेकिन जैसे अभी देख लीजिए भारत राजस्थान की सरकार है वो भी समझौते पर अटकी हुई है, लेकिन आपने जो समझौता किया है वो काबिले तारीफ है और मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारे अतिथियों के द्वारा आपने ट्रॉफी प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय मां भारती। भाई साहब
इतना अच्छा आयोजन जो पंचायत के इस ग्राउंड में हुआ है और 32 टीमों ने भागीदारी लेके खेल भावना से खेल को खेला है, मैं सबसे पहले तो यहाँ की पूरी ग्राम पंचायत को, यहाँ के युवाओं को जिन्होंने मेहनत करके और खेल को आगे बढ़ाने का इतने दिनों तक जो मेहनत करके काम किया उन सबको धन्यवाद बधाई देता हूँ। साथ ही 32 टीमों ने जो हिस्सा लिया उन 32 टीमों के सारे खिलाड़ियों को, उनके स्पॉन्सर्स को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आए। बहुत शांति से खेल का आयोजन हुआ और आज खेल का समापन हुआ है। समापन पे भी मैं जब विजेता और उप विजेता फाइनल की दोनों टीमों का जब मैच हम देख रहे थे और बारिश ने जो विघन डाला उसके बाद दोनों टीमों ने और दोनों टीमों के कप्तानों ने जो खेल भावना का परिचय आज दिखाया है उससे हम गदगद हो गए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से एक दिन आएगा जब हमारे ये दोनों खिलाड़ियों के, दोनों टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो हमारा, समाज का, अपने क्षेत्र का, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। ये मैं उनको बहुत बहुत इनकी भावना देखते हुए गदगद हो गया हूँ। मीडिया के साथियों का संचालन किया उनका, एम्पायर्स का और सारे युवा टीम को तहे दिल से, और हमारे गुलेरिया के सरपंच साहब विराजमान हैं आज हमारे साथ में, जो बहुत अतिथि, महंगे अतिथि आए हैं सम्मानीय रतनलाल जी, गंगाधर जी लाखन, हमारे युवा टीम के सारे साथी, हमारे पुराने मित्र सवाई सिंह जी और सारे यहाँ के पंचायत के मेरे सारे साथी, हंसराज, भंवरलाल जी, भंवरलाल जी का तो मैं आज काम सुन के इतना प्रसन्नता में हुई है, निश्चित रूप से पर्यावरण के लिए जो काम कर रहे हैं, आज तो थोड़ा देरी हो गई, शाम हो गई, इन्होंने शमशान के जो जगह है उसमें जो काम किया है इन्होंने, उसको देखने की मेरी इच्छा है। भंवर जी, कभी मौका मिलेगा एक दो दिन में आपसे समय लेकर निश्चित रूप से आपने जो काम किया उसको देखेंगे, और हमारी ये इच्छा है कि आपके काम को सब जगह लोगों को दें जिससे प्रेरणा मिले लोगों को, उस काम को रिकॉर्ड करके हम लोग और मीडिया के साथियों से भी आग्रह हैं कि अगर आपको मौका मिला तो देखें, नहीं मिला है तो आगे वापस आके ऐसे काम को देखना चाहिए जिससे हर गांव में युवा प्रेरणा ले, पर्यावरण को बचाने का काम करे। मैं मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से ग्रामवासियों को, युवाओं को और आयोजकों को तहे दिल से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बताया जा रहा है कि शमशान भूमि में भी बहुत अच्छे पेड़ लगाए गए हैं और वहां का भी कभी विजिट करेंगे और उस कार्यक्रम को भी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास होगा। डीएल भाटी सर प्रदान कर रहे हैं और ये बहुत अच्छे मोमेंट होते हैं जब इन छोटे छोटे बच्चों को सम्मानित किया जाता है और बहुत यादगार पल होते हैं क्योंकि आपको ये ट्रॉफी मायने नहीं रखती बल्कि आपने किसी से इनाम प्राप्त किया है वो हमेशा याद रखते हैं। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। इस वक्त आयोजन समिति के जो चीफ ऑफ है गोविंद सिंह और विजय सिंह, इन दोनों को हमारे जो मुख्य अतिथि और सरपंच साहब हैं वो बीएल भाटी सर और सरपंच ग्राम पंचायत गुलेरिया के, वो इस समय उन दोनों का माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने जो कार्यक्रम रखा था वो पूरी तरह से सफल हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरी आयोजन समिति को, इतनी तेज बारिश के बावजूद ये पूरा कार्यक्रम है उसको सफल बनाया है।